दोस्तों, आज के वीडियो का थंबनेल देख के शायद आप शॉक हो गए होंगे कि ये किस तरीके का साइबर क्राइम या फिर साइबर फ्रॉड है, जिसमें कि सिर्फ एक मिस कॉल से साइबर क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे चुरा लेते हैं। दोस्तों, इसमें ना तो किसी ओटीपी की जरूरत पड़ती है साइबर क्रिमिनल्स को, ना आपको किसी लिंक भेजते हैं वो, ना आपको QR कोड स्कैन करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते हैं। सिर्फ आपके मोबाइल के ऊपर एक मिस कॉल करते हैं और उस मिस कॉल से परेशान होके आप जब उस फोन को रिसीव करते हैं या कट करते हैं, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसी साइबर क्राइम को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, 13 दिसंबर 2022 यानी कि आज से करीबन 20-25 दिन पहले ही एक न्यूज आई थी, जिसमें कि दिल्ली के एक व्यापारी थे जिनके बैंक अकाउंट से करीबन 47 लाख रुपए सिर्फ एक मिस कॉल, 2-3 मिस कॉल आने की वजह से उनके बैंक अकाउंट से इतने सारे पैसे चोरी हो गए थे, यानी कि साइबर क्रिमिनल्स ने निकाल लिए थे। और ऐसे ही कुछ और न्यूज मुंबई से भी आए थे, जिसमें कि उस व्यापारी या फिर उस आदमी के अकाउंट से करीबन 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो है उसके अकाउंट से निकाल लिए गए थे, ऐसे ही मोड ऑफ ऑपरेंडी से, जो कि था सिर्फ मिस कॉल करना। तो दोस्तों, आखिर ये मिस कॉल वाला फ्रॉड जो साइबर क्राइम आजकल जो ट्रेंड में आ रहा है, वो होता कैसे है, उसे क्या कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस साइबर फ्रॉड को कहते हैं सिम स्वैपिंग। जी हाँ दोस्तों, सिम स्वैपिंग कहते हैं इस साइबर फ्रॉड को, जिसमें कि आपको पता चल रहा होगा सिम यानी कि आपके मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड डलता है उसे कहते हैं, और स्वैपिंग यानी कि उसको चेंज करना, उसको स्वैप करना, आपके मोबाइल से दूसरे मोबाइल में एक्टिव करवाना, इस चीज को कहते हैं सिम स्वैपिंग। दोस्तों, ये सिम स्वैपिंग जो है वो एक्चुअली में थोड़ा पुराना तरीका है, जिससे कि साइबर क्रिमिनल्स आपका जो सिम कार्ड का एक्टिवेट नंबर है, यानी कि आप जिस नंबर के ऊपर से आप बात कर रहे हैं, जिस नंबर को आप यूज कर रहे हैं, उसी नंबर को दूसरे मोबाइल में एक्टिव करवा के उससे आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल लेते हैं। ये एक मोड ऑफ ऑपरेंडी होती है इस साइबर फ्रॉड के अंदर। दोस्तों, क्योंकि अभी फिलहाल में ही इतने बड़े बड़े केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी हस्तियों के यानी कि जाने माने लोगों के बहुत सारे पैसे उनके बैंक अकाउंट से निकल जा रहे हैं, इसकी वजह से ये फ्रॉड जो है वो ट्रेंड में आया है। हालांकि ये एक्चुअली में बहुत ही पुराना एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है, जिसमें कि साइबर क्रिमिनल्स काम करते हैं। और दोस्तों, ये फ्रॉड कैसे होता है, तो दोस्तों साइबर क्रिमिनल्स इस फ्रॉड को कैसे अंजाम देते हैं उसकी बात करें, तो साइबर क्रिमिनल्स बहुत दिनों से यानी कि मान लीजिए महीनों से, 6-7 महीने से आपके पीछे लगे रहते हैं और आपकी सारी डिटेल्स निकालने का ट्राई करते हैं, जैसे कि ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका नाम हो गया, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल्स वो आपकी सोशल मीडिया अकाउंट से वगैरह से इकट्ठी करते हैं। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर का एक जो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर है वो एक्टिवेट करवाने का ट्राई करते हैं, आपके आधार कार्ड नंबर से या कहीं से भी। ऐसी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी ले ली जाती है और उसके बाद वो लोग ट्राई करते हैं कि आपके नंबर का, आपका जो नंबर है उसी नंबर का एक क्लोनिंग यानी कि आपके नंबर को स्वाइप करके दूसरे सिम कार्ड के ऊपर एक्टिवेट करवा देते हैं। और वो एक्टिवेट करवाने से पहले आपको इतने मिस कॉल, अलग अलग मोबाइल नंबर से इतने सारे मिस कॉल करके परेशान किया जाता है, ताकि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे या फिर आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दे। अब जैसे ही आप अपना मोबाइल बंद करते हैं या फिर आपके सिम कार्ड को एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आपका नंबर बंद हुआ, वो आपका नंबर स्वैप करके अपने जो सिम कार्ड है उसके ऊपर एक्टिवेट करवा लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा ही नंबर है और मैं ही इससे यूज कर रहा हूं, मेरा पुराना सिम कार्ड खो गया था या फिर टूट गया था, इसलिए मैं ये नया सिम कार्ड एक्टिवेट करवा रहा हूं। अब तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आपका नंबर एक सिम कार्ड के ऊपर उनके पास आ गया है। अब वो आपका नंबर यूज करके कहीं से भी और किसी भी बैंक से, आपके किसी भी एप्लीकेशन को यूज करके आपके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे निकाल सकते हैं।
दोस्तों इस फ्रॉड से बचने के लिए दो तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है। उसमें सबसे पहला है कि जब भी आपको रात के टाइम में खास करके 8 बजे के बाद जब बहुत सारे मिस कॉल आना, 2, 3, 4, 5 मिस कॉल आना शुरू होते हैं, तब आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। और खास करके अगर आपको इंटरनेशनल नंबर से मिस कॉल आ रहे हैं तो आपको जरूर सावधान हो जाना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आपके मोबाइल का नेटवर्क जो है, आपके मोबाइल नंबर का जो सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क तुरंत यानी कि अचानक से बंद हो जाता है, तो भी आपको जरूर इसको ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपका मोबाइल नंबर का जो आपका ऑपरेटर है वो आपका सिम कार्ड बंद नहीं करता है। तो अगर आपका सिम कार्ड का नेटवर्क अचानक से चला जाता है तो भी आपको ध्यान जरूर देना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशंस को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो आप इस फ्रॉड के जाल में फंस सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान में रख के आप अपने आप को इस साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको इस साइबर फ्रॉड के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने जो 1 साल पहले सिम स्वैपिंग साइबर फ्रॉड के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहां से जाके इस फ्रॉड के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे वो लोग इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं, क्या क्या चीजें करके आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस साइबर फ्रॉड के बारे में मैंने आपसे जो बातें की वो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने मिला होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस फ्रॉड के बारे में नॉलेज पहुंचे और वो लोग इस फ्रॉड से बच सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले सैटरडे ऐसे ही सिक्योर सैटरडे सेशन के एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।